नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम थोड़ी ही देर में ऑलराउंडर्स को लेकर भी एक वीडियो डालेंगे, तो दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं टॉप 10 ऑलराउंडर्स जिनको कि आरसीबी की टीम इस ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। वो दोस्तों कौन से हैं वो टॉप 10 ऑलराउंडर्स जिनकी किस्मत खुलेगी, तो दोस्तों बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को होने वाला है, एक दिन बीच में। और दोस्तों इसका लेटेस्ट मतलब जो करंट लाइव अपडेट है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे तेज अपडेट जो है वो मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों टॉप 10 ऑलराउंडर्स की बात करेंगे। दोस्तों ऑलराउंडर क्यों जरूरी होते हैं टीम के लिए? किसी भी टीम में अगर बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया ऑलराउंडर्स होते हैं, जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं, जैसे कि आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लें, तो वो टीम के ट्रॉफी जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और इसी वजह से हर टीम जो है ना वो इस ऑक्शन में ऑलराउंडर्स को ज्यादा टारगेट करेगी। और अच्छी बात आपको बता दूं कि जो 592 प्लेयर्स की लिस्ट आई है ना, उसमें ऑलराउंडर खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से खिलाड़ी पर दाव लगेगा। लेकिन दोस्तों टॉप 10 ऑलराउंडर्स आरसीबी जिनको टारगेट करेगी, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे नंबर 10 से। नंबर 10 पर नाम आता है भाई साहब टिम डेविड का। टिम डेविड और आरसीबी को लेकर अगर एक मतलब एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली हम बोलेंगे, क्योंकि टिम डेविड के बारे में ये सोच सकते हैं, टिम डेविड एक अच्छे लंबे कद के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, इनको थोड़ा सा उछाल मिलता है और काफ़ी लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। तो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं इनके लिए कि आरसीबी इनके पीछे जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है केदार जाधव का। केदार जाधव के लिए हम अगर एक लाइन में बोले तो 30% जाएंगे और 70% नहीं जाएंगे। मतलब केदार जाधव की अगर बात करें तो थोड़ा सा फॉर्म सही नहीं रहा है, इंजरीज से नाता रहा है, और इसके अलावा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उम्र भी ज़्यादा हो गई हो। तो ऐसे में केदार यादव को मुश्किल ही है कि कोई टीम खरीदे। अगर कोई टीम खरीदेगी तो वो होगी डैडीज आर्मी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। नंबर 8 पर नाम आता है मॉइज़ेस हेनरिकेज़ और नंबर 7 पर नाम आता है बेन कटिंग का। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अगर एक लाइन में बोलूं तो आरसीबी को इनको ज़रूर से टारगेट करना चाहिए। आरसीबी मस्ट टारगेट वन ऑफ दीज टू प्लेयर्स, यानी कि इन दोनों में से किसी न किसी एक खिलाड़ी को इनको ज़रूर से टारगेट करना चाहिए। और अगर मॉइज़ेस हेनरिकेज मिल जाते हैं तो मॉइज़ेस हेनरिकेज एक बेहतर विकल्प है। मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, नीचे तक खेल सकते हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तक खेल सकते हैं और काफ़ी बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनकी गेंदबाजी भी शानदार है। तो ऐसे में मॉइज़ेस हेनरिकेज़ अगर इनको मिल जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो और मेरे विचार में इनको आरसीबी को जरूर से टारगेट करना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता है शाहरुख खान का। भाई साहब इनको भी आरसीबी को मस्ट टारगेट करना चाहिए। आरसीबी मस्ट टारगेट दिस ऑलराउंडर, वो इसलिए क्योंकि भाई साहब बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल पंजाब किंग्स में थे और वहां पर इन्होंने बता दिया था कि इनकी पोटेंशियल क्या है, इनमें दमखम है। और ऐसे में हो सकता है कि ये भी करोड़पति बनेंगे इस बार, 5 से 6 करोड़ के आसपास ये लेकर जाएंगे। और आरसीबी को ज़रूर से इनको टारगेट करना चाहिए इनके फिनिशिंग रोल के लिए। इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है शाहबाज अहमद का। दोस्तों पहले आरसीबी में खेल चुके हैं और आरसीबी जरूर से इनके पीछे जाएगी। और वो क्यों? क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा है और इसके अलावा बल्लेबाजी शानदार करते हैं, तो इसी वजह से इनके पीछे जाएगी और डेफिनेटली इनको ये खरीदेंगी भी। इसके बाद क्योंकि मतलब आपको अपनी जो टीम बनानी है ना, उसमें आपको अपने कुछ पुराने खिलाड़ी भी चाहिए होते हैं, क्योंकि तभी वो तालमेल बैठ पाता है। अगर सारे आप नए खिलाड़ी ले लेंगे तो फिर वो तालमेल नहीं बैठ पाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है मिचेल सैंटनर का। मिचेल सैंटनर के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि 30-70 हम बोल सकते हैं, 30% जाएंगे और 70% नहीं जाएंगे, क्योंकि चेन्नई की तरफ से खेलते हैं। और मतलब मेन चीज़ जो है ना, स्पिनर ठीक है, ऑलराउंडर ठीक है, लेकिन ओवरसीज़ है और ओवरसीज़ की जगह वैसे ही नहीं बन पाती है। तो इसी वजह से ओवरसीज़ की जगह पर ज़्यादातर इंडियन प्लेयर इस बार आरसीबी खिलाने को देखेगी और खरीदने को भी देखेगी। नंबर तीन पर नाम आता है कृणाल पांड्या का। दोस्तों कृणाल पांड्या एक बेस्ट विकल्प हो सकते हैं, इंडियन भी हैं और अच्छा विकल्प भी हो सकते हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या, शाहबाज अहमद, इन दो में से किसी एक को ये जरूर टारगेट करेंगे और मेरे विचार में इनको करना भी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी भी कृणाल पांड्या के पीछे जाएगी, क्योंकि हार्दिक जिस टीम में है तो उसी टीम में कृणाल भी जाएंगे, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2 की, और नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं
वो कैप्टेंसी मटेरियल भी है, यानी कि कप्तानी भी कर सकता है। और उसका नाम है दोस्तों जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ में मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच में अभी सीरीज चल रही है और उसमें दोस्तों जेसन होल्डर का शानदार प्रदर्शन है। पहले ओडीआई में उन्होंने बल्ले से कमाल किया था और दूसरे ओडीआई में गेंदबाजी से मतलब काफी शानदार गेंदबाजी करी थी। और आरसीबी के कप्तानी के विकल्प के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि आरसीबी की टीम 10 से 12 करोड़ तक जेसन होल्डर पर खर्च करने को तैयार है। तो अब क्या उन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई और क्या इनको करना चाहिए टारगेट, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और उसके बाद नंबर एक पर नाम आता है हर्षल पर्पल पटेल का, और दोस्तों इस खिलाड़ी को जरूर से ये टीम टारगेट करेगी। और वो इसलिए क्योंकि पिछले साल के इनके हीरो रहे हैं, इनकी मतलब हर जीत के ये हीरो रहे हैं, इनके प्ले ऑफ तक के सफर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरे विचार में हर्षल पटेल को ये टीम टारगेट करने वाली है, चाहे 10 करोड़ भी मिले, 10 करोड़ में भी मिले तो भी ये इनको टारगेट करेंगे और इनके पीछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 ऑलराउंडर्स जिनको कि आरसीबी की टीम टारगेट करने वाली। और दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि काफी लोग कमेंट में बोलेंगे कि यार हर्षल पटेल तो गेंदबाज ही ऑलराउंडर कब से हो गए, तो भाई साहब इन्होंने ऑलराउंडर के तौर पर ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी वो 592 प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लाइव अपडेट मिलेगी ऑक्शन की, और ऑक्शन में अब एक ही दिन बचा है, तो आई होप आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।